हाय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। राधे राधे जी, कैसे हो आप लोग? हो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और मैंने किया है आज हेयर वॉश, और देखिए मैंने आज पहनी है ये लहरिया साड़ी। ये बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है इस साड़ी पे। मतलब ये साड़ी बहुत ही प्यारी लगती है और बिल्कुल एक मुट्ठी के अंदर आ जाने वाली साड़ी है ये। और मैंने किया है हेयर वॉश, और चलिए फिर बाल को, मतलब मैंने थोड़ा सा पहले तो टॉवल लगाया था, लेकिन यहाँ पे बालों को मैंने खोल लिया है। मतलब इस तो पानी जो है तो निकल जा चुका है, और सूर्य जी को जल भी मैं दे के आ गई हूँ। और बस यहाँ पे सोची कि चलो, थोड़ा बच्चे लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, और सोची चलो बालों खेल लेती हूँ थोड़ा, ताकि बाल में सूख जाए। नहीं तो मेरा इस टाइम पे क्या है ना, बाल गीला होता है तो मेरा सिर पे दर्द भी हो जाता है। तो यहीं पे मैं अपने बालों को खेल रही हूँ और बस कॉम्बिंग किए ले रही हूँ। और साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही ज़रूर बताना। और ये साड़ी पे ना बहुत ही कमेंट आता है मुझे, सच में ये बहुत ही प्यारी साड़ी है। कोई ज़्यादा दाम की भी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी है। और कभी कभी क्या कलर वगैरह अच्छा लग जाता है। यहाँ पे बच्चों का पढ़ाई चल रहा है, क्योंकि उनका पेपर है। तो ये देखिए बेटा भी इधर भी रेडी हो चुका है उस, और बच्चों के लिए मुझे भी बनाना है क्या लंच, मतलब कि लंच बनाना है, कुछ नाश्ता बना दूँगी, बच्चे लोग खा के स्कूल चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेडी हो लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या, मैंने बालों को खेल लिया है, थोड़ा सा सिंदूर वगैरह में लगा लेती हूँ साड़ी। और मैंने साड़ी पिन अभी नहीं लगाई है, तो बस साड़ी पिन लगाऊंगी। इसमें ना कोई भी ब्लाउज चल जाता है, रेड पहने या मतलब जो इसमें कलर है ना, कोई भी पहन ले। और मैं किचन में जाने से पहले मैं क्लेचर लगा लेती हूँ, नहीं तो क्या होता है खुले बाल ना मेरी आँखें बार बार से आती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज बेटा का पेपर है। ये देखिए कैमरा के सामने आते ही डांस इसका शुरू हो गया, और बेटी का भी आज का उसका पेपर नहीं, उसका 2 दिन के बाद ही है। और बेटे ऐसे ही करता है, मतलब जब देखेगा मम्मा कैमरा लगाई हुई है, तब जब कुछ बोलूँगी चलो बोलो, तब तो बोलेगा नहीं। और कैमरा के सामने जब डांस वगैरह करने लगता है, फिर बोलूँगी रुक जाओ मैं डाल दूँगी वीडियो, तब फिर जाके भी शांत होता है। तो चलिए फिर यहाँ पे नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो यहाँ पे मैंने बस तड़का लगाया राई का, जीरा का, थोड़ा सा धनिया, खड़ी धनिया का, और फिर यहाँ पे मैंने प्याज आलू डाल दिया, और फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा चीनी भी डाला था। और ये देखिए पोहा मैंने 5 मिनट पहले ही इसको 2 पानी में धो के इसको छन्नी वाले छन्ना में रख दिया था। और देखिए कितना बढ़िया सा बिल्कुल मुलायम सा पोहा रेडी हो गया है। यहाँ पे मूँगफली भी भुन चुकी है। तो पोहा की रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों से मैंने शेयर किया है, तो आप लोग देख लेना, कहेंगे तो शुरू से भी दे दूँगी। और बस चलिए इसको थोड़ी अच्छे से पक जाने देते हैं, क्योंकि अभी मैंने चीनी भी डाला और यहाँ पे मैंने नमक भी डाला हुआ है। और ये देखिए टमाटर थोड़ी गल जाए ना, तो इसका मतलब बहुत बढ़िया आता है टेस्ट। और ये देखिए यहाँ पे मूँगफली साथ में ही डाले दे रहे हैं। और चलिए फिर अभी इसको चमचा चला लेते हैं, और यहाँ पे नमक ऐड कर देते हैं। और मतलब आपने हमारे बताए तरीके से दी पोहा बनाया है ना, तो आपका पोहा ना जैसे बनने के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब खाने वाले थोड़ा लेट में आते हैं, तो इसको 1 घंटे के बाद भी खाओगे ना, तो बहुत ही बिल्कुल नरम सा पोहा ही रखा रहता है। इसको बड़ी ढक्कन में, टिफिन में कोई भी इसको बंद करके रख दो। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पोहा रेडी हो चुका है। धनिया यहीं पर, धनिया डाल दीजिए। बस चलिए अब इसको प्लेटिंग कर लेते हैं सर। तो यहाँ पर हम प्याज डाल लिए, और थोड़ा सा डालेंगे नमकीन। तो आज का वीडियो कैसा, दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी ब्लॉग में क्या देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे पोहा खाने के बाद मैंने, मतलब पोहा जब हम लोग खाने गए थे तभी मैंने घी को चढ़ा दिया था, क्योंकि मैंने मट्ठा भाया था तो इसको मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि इसको टाइम लगता है और धीमा करके गैस। और बस आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।